हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनीषा, आज मैं होम रेमेडी के साथ साथ कुछ ऐसे भी टिप्स शेयर करूंगी जिसके यूज से आप अपने फेस से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस रेमेडी को बनाने के लिए सिर्फ हमें एक इंग्रेडिएंट चाहिए, आलू। इस आलू को मैंने पहले से ही छील लिया है, अब इसे या तो कद्दूकस कर देंगे या फिर इसे मैं मिक्सर में पीस लूंगी और इसके बाद इसका जूस निकाल लेंगे। इस जूस को हमें अपने आंखों के आसपास अप्लाई करना है, जिससे कि अगर हमारे आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स हो गए हैं, जिन्हें हम काले घेरे बोलते हैं, तो उससे छुटकारा मिलेगा। इसको अप्लाई कैसे करना है, या तो आप इसे कॉटन की हेल्प से लगाएं या फिर आप मेकअप ब्रश भी यूज कर सकते हैं इसे अप्लाई करने के लिए। इस आलू के जूस को आपको अपनी आंखों के आसपास पूरा ऐसे अप्लाई कर देना है। इसको लगाने से ये जो निशान है वो धीरे धीरे मिटने लगते हैं। अगर आपके फेस पे फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप आलू का पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को अपने फेस पे अप्लाई कर लें 10 मिनट के लिए। इसे अपने फेस पे उंगलियों की हेल्प से अप्लाई करें। जब ये 10 मिनट हो जाए अपने फेस को पानी से धो लीजिए। इससे जो भी फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे मिटने लगेगी। अगर आप अपने फेस पे आलू का रस अप्लाई करते हैं तो उससे आपकी स्किन का जो कलर है वो चेंज होगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सूखी और ड्राई है तो इस आलू के पेस्ट से आपके फेस बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप आलू के छिलके को भी अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, यानी हल्के हल्के लेकर मसाज करते हैं, आपके फेस पे जो भी रिंकल्स की प्रॉब्लम रहेगी वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। यानी अगर आप आलू को किसी भी तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, चाहे उसे पेस्ट के तौर पे या फिर रस की तरह, वो आपके फेस के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।